हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बीकॉम फर्स्ट ईयर की एडवांस अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि भैया ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है अकाउंटिंग में। चार एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे ताकि ये चीज हमको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और ड्यूअल एस्पेक्ट को समझते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट में सबसे पहले मीनिंग में कहा गया है कि जो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, ये डबल एंट्री बुककीपिंग का कोर होता है। मतलब ये डबल एंट्री बुककीपिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। इसी के बेसिस के ऊपर डबल एंट्री बुककीपिंग हुई है, ठीक है। ये उसका एक इंटरनल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। किसका? डबल एंट्री बुककीपिंग का। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बेसिस में इन्होंने एक्चुअली में मीनिंग बता रखी है, जिसमें कहा गया है कि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन या इवेंट्स होते हैं उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। तो एज पर दिस कॉन्सेप्ट, एवरी ट्रांजेक्शन और इवेंट हैज टू एस्पेक्ट विच हैव टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जिन्हें बुक्स में रिकॉर्ड करना जरूरी है। दोस्तों, दोनों ट्रांजेक्शन को बुक में रिकॉर्ड करना जरूरी है। ये जो दोनों ट्रांजेक्शन का मतलब दोनों एस्पेक्ट होंगे ना, दोनों का रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, हम बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो ज्यादातर समय क्या होता है कि असेट्स बढ़ेगा, लाइबिलिटीज घटेंगी, या लाइबिलिटीज बढ़ेंगी और असेट्स कम हो जाएंगे। नॉर्मली तो ऐसे ही होता है। तो ये दोनों जगह जो असर पड़ रहा है तो दोनों की रिकॉर्डिंग होगी। तो क्या बढ़ा क्या घटा, ये पूरा का पूरा हमें रिकॉर्ड करना होगा। आगे इन्होंने कहा, द अमाउंट ऑफ बोथ द एस्पेक्ट्स आर इक्वल। बिल्कुल सही बात। ये जो दोनों एस्पेक्ट है, दोनों की जो भी अमाउंट होता है ना, वो दोनों बराबर होगा। इसे समझने के लिए कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशन इस इफेक्ट के इस हिसाब से जिसे हम समझते हैं, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, पहला एस्पेक्ट कहा जा रहा है कि इंक्रीज इन वन एसेट। अगर एक एसेट इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज इन अनदर एसेट, तो दूसरा एसेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे, परचेज ऑफ मशीन फॉर 40,000 बाय पेइंग कैश, ठीक है। हमारा पहला एस्पेक्ट क्या है कि भैया एक एसेट के बढ़ने पर दूसरा एसेट कम हो जाता है। तो एग्जाम्पल में हमने मशीन खरीदा, तो मशीनरी पहला हमारा असेट है जिसके बढ़ने पे हमारा कैश कम हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? ट्रांजेक्शन क्या होगा कि मशीनरी अकाउंट जो होगा इंक्रीज होगा 40,000 से, आपने 40,000 की मशीनरी बढ़ा ली, और कैश अकाउंट डिक्रीज होगा 40,000 से, क्योंकि भैया वो 40,000 की मशीनरी खरीदने के लिए 40,000 जो कि आपका कैश था, जो कि आपका दूसरा असेट था, वो कम हो गया। तो मशीनरी अकाउंट इंक्रीज किया तो कैश अकाउंट आपका दूसरा असेट जो है वो डिक्रीज कर गया। ये पहला था। दूसरे में कह रहे हैं कि अगर इंक्रीज इन असेट है, ठीक है, अगर असेट इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो कई बार लायबिलिटी भी इंक्रीज होती है। जैसे परचेज ऑफ गुड्स फॉर 90,000 ऑन क्रेडिट, अगर आपने गुड्स खरीदा 90,000 का, वो भी उधार में, तो भैया उधार ही लेना तो लायबिलिटी होता है और गुड्स खरीदना तो असेट होता है। तो इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा 90,000 से और क्रेडिटर्स अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा 90,000 से। तो क्रेडिटर्स अकाउंट मतलब जिन्होंने हमें उधार दिया, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी लायबिलिटी हो गई, ठीक है। तो दूसरे में हमने क्या देखा कि असेट के बढ़ने से लायबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब तीसरा देखते हैं कि अगर असेट डिक्रीज करता है, डिक्रीज इन लायबिलिटी टू क्रेडिटर्स, तो लायबिलिटी भी डिक्रीज होती है। जैसे पेमेंट ऑफ कैश 20,000, तो भैया कैश हमारा क्या है, हमारा असेट है, असेट डिक्रीज हो रहा है 20,000 रुपए से, लेकिन हम किसे पे कर रहे हैं, हम क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमने क्रेडिटर्स को पे किया, क्या होगा वो 20,000, हमारे क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे। तो इन्होंने बोला कैश अकाउंट डिक्रीज बाय 20,000 एंड क्रेडिटर्स अकाउंट डिक्रीज बाय 20,000, ठीक है। तो दोनों असेट के डिक्रीज होने से हमारी लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। हमें ऐसा लगता है कि टू क्रेडिटर्स यहां होना चाहिए था, टू क्रेडिटर्स इस जगह होना चाहिए था, ठीक है, कि पेमेंट किया हमने कैश का क्रेडिटर्स को, तो भैया 20,000 हमारे एसेट्स भी कम हो गए और 20,000 हमारी लायबिलिटीज भी कम हो गई। तो डिक्रीज इन असेट्स का रिलेशन क्या हुआ कि आपकी लायबिलिटी भी कम हो गई, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, तो दूसरी लायबिलिटी जो है वो कम हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर, क्रेडिटर्स पेड फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपीज, आपने क्रेडिटर्स को बैंक के ओवरड्राफ्ट अकाउंट से पे किया। ओवरड्राफ्ट अकाउंट जो होता है वो बिजनेसमैन को अपने करंट अकाउंट में मिलता है। करंट अकाउंट जो होता है ना, जैसे हमारा सेविंग्स अकाउंट होता है, वैसे एक अकाउंट खुलता है करंट अकाउंट, जो बिजनेसमैन का ही खुलता है, बिजनेस के नाम पे ही खुलता है,
ठीक है, और उन्हीं को ये ओवरड्राफ्ट की लिमिट मिलती है, जिसमें अगर आपका बैलेंस जीरो हो जाए ना तो भी आपको एक लिमिट मिलता है आपके ट्रांजेक्शन के बेसिस के ऊपर, जिसे आप जीरो बैलेंस के बाद भी आप इस्तेमाल करते हैं, जब खाते में पैसा आता है तो बैंक वो इंटरेस्ट के साथ काट लेता है। ठीक है, ये एक फैसिलिटी है ओवरड्राफ्ट में। इन्होंने कहा कि क्रेडिटर्स पेड फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, तो आपने क्रेडिटर्स को पे किया तो क्रेडिटर वाली लायबिलिटी कम हो गई, लेकिन बैंक वाली लायबिलिटी तो इंक्रीज हो गई ना। तो इन्होंने क्या बोला कि बैंक का आउटस्टैंडिंग इंक्रीज बाय 10,000 और क्रेडिटर जो है वो डिक्रीज हो गया 10,000। ठीक है, तो ये हो गया, ये चार एस्पेक्ट हमने इसे डिटेल में समझा। आइए कुछ और बातें भी समझते हैं इसके बारे में। सिग्निफिकेंस, अब भाई सिग्निफिकेंस में क्या बोला जा रहा है कि इसका बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है। दिस कॉन्सेप्ट गिव राइज टू द अकाउंटिंग इक्वेशन, यहीं से हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन आता है। जो क्लास 11 के बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं अकाउंटेंसी, तो सबसे पहले शुरुआत होती है अकाउंटिंग इक्वेशंस की, जिसमें बताया जाता है कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। ठीक है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहाँ पे हम असेट्स लिखते हैं और यहाँ पे हमारी लाइबिलिटीज होती है, जिसके अंदर हमारा कैपिटल भी तो लिखा जाता है। तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज हमारे असेट्स के बराबर होता है। आगे इन्होंने बोला कि ये जो इक्वेशन है कैन टेक मेनी फॉर्म्स एंड सम फॉर्म्स आर गिवन बिलो, बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, कुछ फॉर्म्स नीचे दिए हुए हैं, समझते हैं। कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स, ये आप सभी जानते हैं, इसे याद कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, पहला कह रहे हैं कि इक्विटी जो हमारी कैपिटल है, उसमें जब हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को ऐड करेंगे तो फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि इक्विटी में अगर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज को ऐड कर देंगे तो हमारे फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स टोटल असेट्स हो गए ना भैया, असेट दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं ना, एक फिक्स्ड असेट्स और एक करंट असेट्स, तो भैया इन दोनों को जोड़ दीजिए आपके टोटल असेट्स हो गए। तो और यहाँ पे इन्होंने लाइबिलिटीज को थोड़ा डिटेल में बता दिया अलग अलग फॉर्मेट में। पहले में क्या बताया कि इक्विटी प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, दूसरे में कह रहे हैं इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज, तीसरे में इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, वही आपकी यहाँ की करंट लाइबिलिटीज वहां माइनस होगी करंट असेट्स में। आगे कह रहे हैं कि इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अगला है हमारा इक्विटी इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, इक्विटी इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट्स प्लस नेट वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी यहां आकर के माइनस हो गए, तो ये भी फॉर्मूला है, इस हिसाब से भी हम इक्विटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे इन्होंने कहा कि कैपिटल प्लस इनकम या प्रॉफिट प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स प्लस नेट लॉस प्लस एक्सपेंसेस। ठीक है, जो आपका कैपिटल है उसमें इनकम या प्रॉफिट को जब आप ऐड कर देंगे प्लस लाइबिलिटीज ऐड कर देंगे तो वो आपके असेट्स और नेट लॉस प्लस एक्सपेंसेस के बराबर हो जाएगा। लास्ट में इन्होंने एक नोट दिया है जिसमें बताया है कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो इससे आपको क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा। ये जो कैपिटल इज अदरवाइज कॉल्ड एज इक्विटी, बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन शैल ऑलवेज टैली। तो जो ड्यूअल एस्पेक्ट में क्या होता है कि असेट्स और कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज है ना, ये दोनों हमेशा टैली होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आई होप एंड बिलीव कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।